Hello friends, in this video, that is a part 3, we have started inside an atom. Inside an atom, ye series humne start kiya tha, which is in the mention in class 8th standard jo Maharashtra state board hai, uske 8th class mein inside an atom is the 5th chapter, that general science mein. तो उसका मैंने ऑलरेडी पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑलरेडी अपलोड किया है. इफ़ यू हैव नॉट सीन तो प्लीज़ उसमें देखो. एंड दिस इज़ द पार्ट थ्री. पार्ट वन में अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया एटम के रिलेटेड, मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट है जिसने एटम अपने बारे में उन क्या सोचते थे उन्होंने अपना बताया था. जैसे डेमोक्रेटिस ने एटम नाम दिया था. दिस वॉज इन द पार्ट वन. पार्ट टू में हमने देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम. पहला सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसका हमने देखा था किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने, और इसके लिए इनको नोबल प्राइज़ मिला था. कौन से एक्सपेरिमेंट से किया था इन्होंने, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ओके. और एटम न्यूट्रल होता है इसको बताने के लिए उन्होंने एक मॉडल लिया था जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, ओके. अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो मैं सजेस्ट करता हूँ, पार्ट टू आप देखो पहले, देन यू विल सी, देन कम टू पार्ट थ्री, ओके. सो पार्ट थ्री में हम जैसे पार्ट टू था इलेक्ट्रॉन विच इज़ ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो पार्ट टू में हमने देखा था नेगेटिव चार्ज. पार्ट थ्री में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके. सो पॉजिटिव चार्ज आज के अगर आप देखोगे, आज तो बहुत सारी डिस्कवरी हो गई, हम बहुत आगे आ चुके हैं. पॉजिटिव चार्ज अभी कहा जाता है प्रोटॉन्स, ठीक है. तो अब जब गूगल पे सर्च करोगे हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो आपको नाम आएगा रदरफोर्ड, ठीक है. रदरफोर्ड जो है जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया नहीं, पार्ट फोर में आपको मिलेगा. रदरफोर्ड जिसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, तो इन्हीं को एक क्रेडिट जाता है प्रोटॉन्स डिस्कवर. लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसने डिस्कवर किया था, दिस पर्सन, इनका नाम था गोल्डस्टीन, ओके. तो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किया था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर किया था. विच एक्सपेरिमेंट, जो जे थॉमसन ने कंडक्ट किया था कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उन्होंने सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था जे थॉमसन ने, पॉजिटिव चार्ज के बारे में नहीं बताया था, ठीक है, प्रोटॉन्स के बारे में. तो वो दैट वाज अ वेरी बिग एक्सपेरिमेंट, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई वो भी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी. उसमें ये पता लगा कि फर्स्ट टाइम हमें पता चला कि एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो डिवाइड हो सकता है, उसका पहला छोटा पार्ट है इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो और भी बहुत सारे उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं. उसके लिए उनके जो स्टूडेंट थे और भी बहुत लोग उस पर स्टडी करने लगे, रिसर्च करने लगे. तो उनमें से एक थे गोल्डस्टीन, जिन्होंने ये सोचा कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें अगर एटम न्यूट्रल है, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल में थॉमसन ने बताया था कि एटम न्यूट्रल है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा. तो उसी को स्टडी करते हुए उन्होंने कुछ चेंजेस किए कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, और उन्हें आखिरकार पॉजिटिव चार्ज मिला, ठीक है. तो कैसे मिला, दैट वी आर गोइंग टू सी. अब तक हम देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा था. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले आए थे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड, जिन्होंने हमें पहला नाम दिया था मैटर के सबसे छोटे पार्ट का, दैट इज़ नोन एज परमाणु. परमाणु, अणु मीन्स पता है आपको पार्टिकल्स, और परम मीन्स स्मॉल, ओके. फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉज डेमोक्रेटिस. डेमोक्रेटिस ने हमें दिया था नेम जो आज तक हम बोलते हैं इसे, दैट इज एटम. दिस वॉज द ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, ओके. फिर आते हैं जॉन डेल्टन, इन्होंने क्या बताया था कि एटम तो इंडिविजिबल है, ठीक है, साथ में क्या होता है, न्यूट्रल होता है. और हमें एटम का स्ट्रक्चर, इन्होंने सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर हमें समझाया था कि एटम ऐसे स्पीयर में होता है, ठीक है, वो हार्ड होता है और सॉलिड होता है, ठीक है, शेप में. तो ये हमें बताया था उन्होंने. तो उनके स्टूडेंट आगे चल के सर जे थॉमसन जो हमें बताते हैं, दो चीज़ें हमें बताते हैं, वो प्रूफ करके दिखाते हैं कि एटम इंडिविजिबल नहीं होता, वो डिविजिबल होता है, ठीक है, और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सा था,
सब एटॉमिक पार्टिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन से एक्सपेरिमेंट से इन्होंने किया था? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और एटम न्यूट्रल होता है, ये कैसे उन्होंने बताया था? दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, सो प्लम पुडिंग मॉडल से हमें बताया था इन्होंने। सो दिस वाज अ वेरी बिग डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन। उसी पे आगे चल के अभी तक तो हमें पता चल गया कि एटम, आज के टाइम पे हमें पता है कि एटम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, फिर होता है प्रोटॉन, और होता है न्यूट्रॉन, ये हमें पता है। लेकिन जब डिस्कवरी नहीं हुई थी तब सोचो इलेक्ट्रॉन पहले हुआ, फिर प्रोटॉन और न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, और यही दो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था? जेम्स चैडविक, ही इज़ दैट पर्सन। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस, रदरफोर्ड। और जेम्स थॉमसन ने, सर जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। यू विल सी जो चैडविक थे वो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, एंड रदरफोर्ड वॉज द स्टूडेंट ऑफ जे जे थॉमसन। मीन्स रदरफोर्ड वॉज द वन स्टूडेंट जो अभी हम देख रहे हैं, इनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला। इनके ही जो बेटे हैं जॉर्ज पैगेट थॉमसन, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, हमने देखा था। विल सी, ये फोटो है, हैव सर्च ऑन गूगल। इसमें देखो यहाँ पे सर जे जे थॉमसन, इनके स्टूडेंट यहाँ पे, जो ही मैंने बताया था रदरफोर्ड, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट है, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। किसमें? इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब इन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद सब ये स्टूडेंट क्या कर रहे थे? उस पर स्टडी कर रहे थे, रिसर्च। तो हर एक को ये, यहाँ पे मैंने विकिपीडिया से लिया है, नोटेबल स्टूडेंट्स हम चार्ल्स बाकला, चार्ल्स विल्सन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो ही मैंने बताया, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का, और इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक था, और इस ड्रॉबैक को उन्होंने पूरा किया था, किसने? नील बोर ने, हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ जे जे थॉमसन, ठीक है। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, सो आई विल शो यू ऑन गूगल, ये जे जे थॉमसन, जैसे इनके स्टूडेंट है जॉर्ज पैगेट थॉमसन, ये देखो, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिल गया, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे नोटेबल स्टूडेंट्स, सी, इनको एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिला है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन अर्नेस्ट रदरफोर्ड, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, विल्सन, नोबेल प्राइज इन इन्वेंशन ऑफ क्लाउड चेंबर, ठीक है। Many of the students have got Niels Bohr Nobel Prize, मैंने भी बताया, ठीक है। Well, so इनकी जो discovery थी, he discovered, J.J. Thomson has discovered negative charge, okay, with which experiment? Cathode ray discharge tube. तो ये है कुछ, विल सी द वर्किंग, हाउ इट्स वर्क। इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो सर्च ये वीडियो। ये देखो, ये है ग्लास का बना हुआ है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, एक पॉइंट कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल को, एक पॉइंट कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये एनोड, दिस इज द कैथोड, और यहाँ से जब वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो ये बीम पास हो रहा है, ठीक है। स्क्रीन वी आर एबल टू सी दिस बीम इज पासिंग, और जब इसको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या किया, जो बीम है, वी कैन यूज अ मैग्नेट रिफ्लेक्शन टू शो द डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट स्क्रीन। तो इसके बेसिस पे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का
E by M ratio mass और charge का ratio इन्होंने find out किया. So this was a very big discovery. इसी पे क्या हुआ, बहुत सारे student इन्हें काम कर रहे थे. तो ऐसे ही Goldstein ने ये study करते हुए क्या पाया, positive charge. ठीक है, बाद में positive charge जो proton होता है credit किसको दिया, Rutherford को. Okay, so when you will be searching discovered proton nucleus, तो आपको नाम आएगा Ernest Rutherford. पर यहाँ पे दो फोटो दिख रहे हैं, दो फोटो में से एक है Goldstein और एक है Rutherford. तो Goldstein ने क्या डिस्कवर किया था, एनोड रे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव पार्टिकल, और आज के टाइम में हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स. ठीक है, और एक क्रेडिट किसको गया है, Rutherford को, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. तो अब तक हमने देखा जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन्स, अभी हम देखेंगे Goldstein ने डिस्कवर किया पॉजिटिव पार्टिकल, और आज के टाइम पे उसे कहा जाता है प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस डिस्कवर किया है Rutherford में, और इसके बाद वाले हम वीडियो में देखेंगे जेम्स चार्डविक, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो अब तक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब आपने देखा था लास्ट वीडियो में, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या क्या इसमें, एक बेसिकली देख लेते हैं. एक इससे बना हुआ है कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट. ओके, थोड़ा बता देता हूँ, दिस इज द कैथोड प्लेट विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस इज द एनोड प्लेट विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और ये किससे बना हुआ है, ये जो ट्यूब है इस मेड अप ऑफ ग्लास. ओके, और इसके अंदर क्या है, गैस भरा हुआ है जिसका प्रेशर क्या है, हमने लो करके रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप. तो जो भी गैस है उसको डिस्चार्ज करते हैं हम यहाँ से, और इसका प्रेशर लो करके रखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. कैथोड रे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जे थॉमसन ने कैथोड रे डिस्कवर किया था विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इसके लिए इसका नाम हो गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ओके, और हाई वोल्टेज जनरेटर क्या करता है, 10 kV टू 20 kV ऑफ पावर सप्लाई जनरेट करता है. सो Goldstein ने क्या किया, ये जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इन्हें ये पता था कि जे थॉमसन ने बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है, और साथ में बताया था एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने इस पर फोकस किया. ठीक है, तो ये है कैथोड, ये है एनोड, सेम है ये, थोड़ा सा अलग दिखता रहेगा अगर आपको नहीं समझना, तो ये देखोगे तो सेम है, दिस इज द वैक्यूम पम्प. ठीक है, यहाँ से रिलीज हो रहा है. सो और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, ये हमें किसने बताया था, जे थॉमसन ने. तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है, कैथोड तो हमें नेगेटिव चार्ज दे रहा है, और इसके बीच में एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इन्होंने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से कैथोड से, और बीच में एटम्स के मॉलिक्यूल है, ये इसको हीट कर रहा है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते होंगे और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी निकलते होंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, तो दो चार्ज है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉन तो हमें यहाँ पे जब स्क्रीन को कोटिंग कर रहा है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, तो हीट कर रहा था, ये तो हमें जे थॉमसन ने बताया था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं दिख रहा है. तो उन्होंने ये एनालाइज किया, जब इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल को हीट कर रहा है गैस के मॉलिक्यूल को, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ये आ रहा है दो सोर्स से आ रहा है, एक तो पहले कैथोड प्लेट से आ रहा है, और यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है. ठीक है, टू सोर्स से. तो इन्होंने क्या सोचा कि जब ये एक तो क्या बन रहा है, अनायंस नेगेटिव चार्ज, और एक बन रहा है कटायन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो इन्होंने ये दो चीज़ लगाए. तो मेन डिस्कवरी क्या थी, इन्होंने हमें बताया अनायंस और कटायंस के बारे में. तो एक है नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज. तो जे जे थॉमसन ने सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था. ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि जो कटायन पॉजिटिव चार्ज है वो हो सकता है थोड़ा हेवी हो, और यहाँ पे उसके लिए कुछ बात नहीं था, क्योंकि जे जे थॉमसन ने यहाँ पे होल किया था प्लेट में, तो उसके थ्रू ये आ रहा था और यहाँ पे हीट कर रहा था, ग्लो कर रहा था. तो इन्होंने क्या किया, हो सकता है ये पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो थोड़ा हेवी इन साइज हो, तो इसके लिए वो यहाँ पे नहीं आता होगा, अट्रैक्ट होता होगा, लेकिन यहीं पे सब वो बैठ जाते होंगे. तो इन्होंने क्या किया, इस कैथोड प्लेट को ही चेंज कर दिया, और इन्होंने यूज़ किया परफोरेटेड कैथोड प्लेट, मतलब इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल होल्स थे आप देखोगे. ठीक है, तो कैथोड प्लेट था लेकिन उसको इन्होंने बहुत सारे होल में, तो कुछ ऐसा हो दिखने लगा. ठीक है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते थे, ठीक है, कैथोड से नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है इसको हीट करते थे, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दो चीज़ें निकलती थी. तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन कैथोड का और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्लो करता था, और जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट होके इस होल के थ्रू यहाँ पे जब कोटिंग किया Goldstein ने, तो यहाँ पे आके ग्लो करते थे. ठीक है, तो क्या इन्होंने किया, फर्स्ट
due to ionization energy. क्या हो रहा था यहाँ पे, आयंस बन रहे थे, कटायंस एंड अनायंस. ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. ओके, ये इन्होंने देखा और क्या यूज़ किया, परफोरेटेड कैथोड प्लेट. ओके, परफोरेटेड कैथोड प्लेट. तो इससे क्या हुआ, कुछ ऐसे. ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयंस थे वो इस होल थ्रू यहाँ पे आ गए और जो नेगेटिव आयंस थे वो तो यहाँ पे जा ही रहे थे. समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ, इस तरफ जा रहे पॉजिटिव पार्टिकल, इसके लिए इसका नाम रखा गया एनोड रे. ठीक है, ये एक चीज़ याद रखना, एनोड रे. और ये इस कैनाल के थ्रू जा रहे, ठीक है, इस चेंबर के थ्रू, इस होल के थ्रू जा रहे, इसके लिए इसका और एक नाम रखा गया कैनाल रे. ओके, और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे पॉजिटिव चार्ज. सो दिस वॉज दी, थोड़ी बहुत चेंजेस करके इन्होंने पॉजिटिव चार्ज का पता लगाया. तो हम एक एक लाइन वाइज देख लेते हैं. गोल्डस्टीन, ही डन सम चेंजेस इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. व्हाट वाज द चेंजेस, इन्होंने परफोरेटेड कैथोड प्लेट को यूज़ किया. सो इन 1886 गोल्डस्टीन फाउंड द रेज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे ड्यू टू आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका इन्होंने नाम रखा था एनोड रे. सो फॉर दैट ही यूज्ड परफोरेटेड कैथोड प्लेट एंड डिटेक्टेड पॉजिटिव रेज. ही बिलीव दिस रेज वेयर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स विच ही कॉल्ड एनोड रे और कैनाल रे, मैंने ही बताया. और आज के टाइम पे हम इसे ही पॉजिटिव पार्टिकल को किस नाम से जानते हैं, प्रोटॉन से. ठीक है, सो रदरफोर्ड को ये डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है. डिस्कवर किसने किया था इसको, बताया था किसने, गोल्डस्टीन ने. सो अर्नेस्ट रदरफोर्ड इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग द पॉजिटिव रेस दैट गोल्डस्टीन ऑब्जर्व्ड वेयर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इसका नाम दिया गया प्रोटॉन्स. ठीक है, सो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था, ये रदरफोर्ड ने. और उसमें इन्होंने यूज़ किया था हीलियम न्यूक्लियाई, और जिसको बॉम्बार्ड किया था इस गोल्ड फॉयल पे. हीलियम न्यूक्लियाई क्या करता था, ये अल्फा पार्टिकल था. ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बॉम्बार्ड करने से, तो क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट. थैंक्स.